Muslims as the only religion. और in my growing up days, एक ही आदमी को मैं देखता था, वो that was Sylvester Stallone. रॉकी के जितने सारे सीरीज हैं मैंने देखे एंड मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और स्टालोन की वजह से एक्चुअली आई एम डूइंग फिल्म आई लव इट. For me, growing up, I grew up being very inspired by wrestling, by WWE, and now by UFC. So, आजकल UFC में इतने fighters हैं जैसे Silva, Gomez, McGregor. So, I don't know if people know about McGregor. I think वो बहुत ज़्यादा fit है. He does mixture of different martial arts and weight training and fighting. So I think MMA is the new way of being fit today. Varun ne socha ki hame pura gym milega because he actually wanted to train everybody very seriously. So he had this impression ki agar pura gym mile to hum log dono sare journalists ko train karenge theek tarike se. But of course we've got a nice area. We've got a nice area and hame acha laga. I think Varun ne kaafi sare tips diye. To the girls, you all are happy with the tips? Yeah. All the girls love your tips. I think the idea was that जब हम लोग फिल्म के लिए ट्रेन करते हैं एंड आई थिंक रेगुलरली आप लोग भी भाग दौड़ बहुत होती है बट स्टिल दैट मीन्स यू शुड गो टू द जिम यू स्टिल शुड गो वर्कआउट अगर आप जितने भी थके हो क्योंकि वर्किंग आउट शुडंट टायर यू एक्चुअली इट शुड रीजुविनेट यू तो एंड वर्किंग आउट का यही मतलब नहीं है कि आप लोग डम्बल उठा उठा के अपने आप को इंजर करें. And I think John, जिसके पास इतने muscles हैं, he's someone who believes in warming up, warming down, क्योंकि आप injuries avoid कर सकते हैं. And specially आप सबके लिए, and I genuinely mean this, because आप लोग हमेशा कभी कभी नीचे बैठे होते हो, कभी camera के साथ ऐसे बैठे होते हो, कभी खड़े रहते हो, जैसे अभी he's hunching and he's holding the camera, and बहुत लोगों की उम्र भी हो गई, तो it's not and genuinely मुझे कभी कभी बुरा लगता है क्योंकि लोग मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं और बहुत और मैं बैठा हूँ चेयर पर और लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं. बट फॉर दैट आपको फ्लेक्सिबल रहना या फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप घर पे जाते हो आप चाहे योगा कर लो या कोई आसन कर लो बट एटलीस्ट एक घंटा अपने आप को फिटनेस के लिए दीजिए. अपने आप के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए दीजिए. माई डैड ही डजेंट अग्री वो मतलब सुनते ही नहीं है मेरी बात. बट जब मैंने उन्हें थ्रेट्स देना शुरू किया दैट क्योंकि मेरी भाई की शादी हो गई आई सर आपको यू वॉन्ट टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन और नो व्हाट यू वॉन्ट टू डू. तो तब नाउ यू सी ही स्टार्टेड गोइंग टू द जिम ही इज गोइंग फॉर वॉक्स ही इज स्विमिंग ही इज लॉस्ट लिटिल वेट. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप खुद नहीं मोटिवेट हो सकते तो अपने बच्चों के लिए मोटिवेट हो जाओ.